हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडविला पॉइंट चैनल। आज हम कर रहे हैं सिक्स क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड, जो आपकी हंसकल बुक से लिया गया है। सो यहाँ पे चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो डॉग ने अपना मास्टर, एक न्यू मास्टर कैसे ढूंढा, ठीक है। सो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे ऑल्सो नो सम थिंग्स अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी। सेंचुरीज होती है 100 ईयर्स की, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना सेंचुरीज। तो हाउ ह्यूमन बींग्स हैव द डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। जब तक मतलब हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम आर टेम द या टेम एनिमल। कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जो डॉग और वुल्फ है ना, वो क्लोजली रिलेटेड है। सो आपको तो पता ही होगा कि जो बहुत साल सेंचुरी जो होती थी ना, उसमें ह्यूमन बींग्स डोमेस्टिकेटेड टेम्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह वाइल्ड एनिमल्स को रखते थे। ऐसा तो नहीं था ना कि पहले से ही मतलब जो ये गाय भैंस थे, पहले से ही मतलब हमारे डोमेस्टिक एनिमल हो गए थे। नहीं, इनको जंगलों से मतलब ला के इनकी मतलब देखभाल कर जाती थी। फिर जब उनके जो बेबीज होते थे ना, उसके बाद वो पालतू बन जाते थे। तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे काओ, बफेलो, गोट, ये सब कुछ। सो वाइल्ड एनिमल्स को मतलब उनकी सेवा वगैरह करते थे, तो डोमेस्टिक एनिमल होते थे तो उनका यूज करते थे। डोमेस्टिक मतलब उनका यूज करना, जैसे कि गाय का यूज हम दूध के लिए करते हैं, ठीक है, और कुत्ते वगैरह डॉग्स जो होते हैं उनका यूज किस लिए करते हैं, घर की सिक्योरिटी के लिए ऐसे। पर ऐसा नहीं है, उनके साथ हम फ्रेंडशिप भी करते हैं, बिकॉज डॉग हमारे जितने हमारे डोमेस्टिक एनिमल हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। सो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड दे लीव्ड एंड द लीव द वे वॉल्व डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न वो वॉज इल प्लीज विद द दिस वे ऑफ लाइफ। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ द वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। सो यहाँ पे बताया गया कि जो डॉग है ना, वो खुद के मास्टर हुआ करते थे पहले। जैसे वुल्फ रहते हैं ना, जो ये भेड़िए होते हैं, रहते हैं अपनी फ्रीडम में। तो ये तब तक था जब तक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो इल प्लीजेंट था। इल प्लीजेंट मतलब नाखुश, जैसे कि मतलब हम बोलते हैं ना प्लीजेंट, आई एम प्लीजेंट हैप्पी बोलते हैं ना कभी कभी, हम बहुत खुश होते हैं जैसे। तो बहुत मतलब उसको ये चीज अच्छी नहीं थी, वो हैप्पी नहीं था उस चीज से कि वो खुद का मास्टर है, उसको फुल ऑफ फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। तो वो इस सब चीजों में थक चुका था। तो वो वंडरिंग मतलब वैसे आवारा घूमना होता है, पर यहाँ पे वो घूम रहा था अबाउट हिल्स। तो वो देख रहा था कि लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन। तो अपना खाना देख रहा था और देख रहा था कि मतलब कोई उससे मतलब उससे ज्यादा खतरनाक मतलब कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल जो होता था, ठीक है। तो उन सब चीजों से ना वो परेशान था, क्योंकि उसे छुपना भी पड़ता था उन सब चीजों के लिए। उसे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था, जो एनिमल्स होते थे उनसे बचना पड़ता था जो उससे स्ट्रॉन्गर थे, ठीक है। सो आते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ पे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज अ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ एंड ही सेट आउट द फाइंड सच अ मास्टर। सो अब यहाँ पे वो डॉग सोचता है कि यार मैं जो है ना एक किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ। सर्वेंट मतलब ऐसा नौकर होता है, लेकिन मतलब वो हाँ मतलब वो सोचता है कि मैं एक सर्वेंट बन जाऊं जो इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गर हो, सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो मुझे मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मुझे किसी से डरना ही नहीं पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। एंड ही सेट फाउंड फाइंड द सच अ मास्टर। तो उसे एक ऐसी मास्टर की तलाश थी। सो ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड सॉरी ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्स मैन ऑफ हिज। किंग्स मैन होता है जैसे रिलेटिव, जैसे आपका ब्लड रिलेशन होता है, बट यहाँ पे ये अलग मतलब अलग वर्ड मीनिंग है। किंग्स मैन का मतलब यही होता है कि जिनसे आपका ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, वो किंग्स मैन बोले जाते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है ना, ठीक है। अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फिर्स, मतलब उसे एक बड़ा सा वुल्फ दिखा जो स्ट्रॉन्गर भी लग रहा था और डरावना भी लग रहा था, ठीक है। फिर्स मतलब डरावना, जो ना देख के डर लगता है, जिसको देखे जैसे शेर को देख के लगता है लोगों को। सो वेयर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो डॉग ने बोला आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। अब भाई ये तो उस वॉल्फ के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि उसे बिना नौकरी के मतलब बिना सैलरी के एक सर्वेंट मिल रहा है, ठीक है, फ्री वाला। सो यहाँ पे जो डॉग है वो बोलता है कि मैं आपको अपनी ना सर्विसेज देना चाहता हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, ठीक है। आई डोंट सी व्हाई नॉट, तो उसने बोला क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड एंड ही अग्रीड अपॉन, ठीक है। द टू ऑफ देम वेंट
ऑन टूगेदर। सो वोल्फ और वो साथ साथ निकल पड़े, और वो वोल्फ उस बात के लिए मान गया क्योंकि उसे तो सर्वेंट मिल रहा था ना, इसलिए। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज एंड स्निफ डार्टर्ड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बुशेज एंड क्रैप डीपर इन टू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। ठीक है, अब डॉग सरप्राइज हो गया इस बात से। अब मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। सो वो बोलता है, अब डॉग यहाँ पे अपनी नाक उठाता है और सूंघता है। डार्टेड का मीनिंग होता है मूव सडनली, मतलब एकदम क्विकली भागना। ठीक है, एकदम क्विकली भागना। सो एकदम क्विकली भागता है अपने रास्ते से दूसरी ओर, मतलब ऑफ द पाथ। मतलब जैसे यहाँ पे वो जा रहा है तो एकदम से इस तरफ भाग जाता है, मतलब इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, मतलब एकदम से छुप जाता है हड़बड़ाहट में। एंड इन टू द बुशेस, और वो बुशेस के पीछे मतलब चला जाता है, क्रैप्ड डीपर इन टू द फॉरेस्ट। और धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे वो जंगल के, घने जंगल के अंदर चला जाता है। अब डॉग जो है वो देख के सरप्राइज तो होता है, अब उसे कुछ समझ में नहीं आया इस टाइम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, अब उसे क्या पता लगता है आगे। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्केड। क्या हुआ अपने, उसने मास्टर से पूछा क्या हुआ। व्हाट वाज द फ्राइटेंड यू सो, आपको इस किस बात ने इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर आर बियर। तो विल्फ ने बोला, तुमने क्या देखा, वहां पे एक बियर था, अगर वो हम दोनों को खा जाता। ठीक है, अब उसको पता लगता है कि डॉग की बियर जो है ना वो वोल्फ से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ। ठीक है, अब उसको उसने उसको पता लग गया डॉग को। डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो डॉग सोचता है कि अब मैं उसको अपनी सर्विसेज दूंगा, किसको, बियर को, क्योंकि बियर वोल्फ से ज्यादा स्ट्रोंग है। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्केड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब उसने वोल्फ को क्या कह दिया, बाय बाय, और वो बियर के पास चला गया। ठीक है, उसने बियर को कहा, एंड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। ठीक है, द बियर एग्रीड टू द दिस रीडिली एंड सेड, लेट अस गो टू एंड फाइंड द हर्ड ऑफ काउ, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट। सो अब जो बियर है वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है, वो बोलता है चलो चलते हैं और हम काऊ के एक हर्ड को पकड़ते हैं। हर्ड मतलब एक झुंड, जैसे काऊ का जो झुंड होता है ना वो। ठीक है, सो अब हम उसको पकड़ेंगे और मैं एक गाय को पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों से खाएंगे। ओके, आगे हमारा सिक्स पैराग्राफ। दे वोट ऑन एंड सून सो हर्ड ऑफ काऊ। तो उन्होंने क्या देखा है, गाय का झुंड। बस जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम टू इट, दे वर स्टॉप बाय टेरिबल नॉइज। अब वो जैसे ही जा रहे थे ना तो वो एकदम से रुक गए, किससे, एक टेरिबल नॉइज की वजह से। द काउ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक ऑल डायरेक्शन। पैनिक मतलब घबराहट में, मतलब जैसे पैनिक सिचुएशन हो जाती है ना कभी कभी, आपको कुछ समझ में, बस वो दौड़ रहे थे। मूविंग मतलब एक काउ का साउंड, जैसे मतलब जैसे काउ करती है ना, जैसे क्या बोलते हैं काउ के साउंड को हिंदी में, जैसे मतलब जैसे गाय की आवाज होती है, जैसे कुत्ते की भौंभौं होती है, ऐसे गाँव की मूइंग होती है। ठीक है, डॉग क्या करता है, बार्क, और काउ क्या करती है, मूइंग। ठीक है, आगे करते हैं। द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अब जो बियर है वो ट्री के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट। अब वो एकदम से भागता है, कहाँ पे, फॉरेस्ट के अंदर ही, आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज, हेस्टली मतलब एकदम से, एकदम डर डर वाला जो सिचुएशन होती है ना उसे हैस्टली कहते हैं। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। अब उसने डॉग से पूछा, पता है तो मैं यहाँ पे क्यों आया, इट इज लोयन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। सो उसने बोला क्योंकि वहां पे लोयन था जिसका रूल इस जंगल में चलता है। यू नो कि जो लोयन होता है वो फॉरेस्ट का किंग होता है। ठीक है, लोयन को किंग बोलते हैं ना। ठीक है, द लोयन हुज ही, डोंट यू नो, ही इज अ स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वो सबसे, बीस्ट मतलब एक एनिमल ही होता है, वो सबसे स्ट्रोंगर बीस्ट है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अब लोग बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन यू एंड एनीवन ऑन द अर्थ। तो अब मुझे एक ऐसा मास्टर मिल चुका है जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रोंग है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ओके, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब वो यही बात किससे पूछता है, लोयन से। अब लोयन भी वही खुश होगा, बिकॉज उसे तो सर्वेंट मिल रहा है। अच्छा, किसको, जिसको भी सर्वेंट मिलेगा वो खुश तो होगा ही ना।
सो द लोयन एग्रीड टू इट। अब लोयन भी इस बात से हामी भर देता है, ठीक है तुम बन जाओ मेरे सर्वेंट, एग्रीड मतलब हामी भर देता है उस बात पे, मतलब कैसे बताओ एग्रीड सहमत हो जाता है मतलब, ठीक है। एंड द डॉग स्टे विद हिम, अब डॉग उसके साथ रहने लग जाता है एंड सर्व हिम, और उसे अपनी सर्विसेज देने लग जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम बहुत टाइम तक देता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट एंड देन द लोयन, नो वन डेयर टच डोंट और ऑफेंड हिम इन एनी वन। अब जब वो लोयन के साथ था ना तो उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि वो जो है लोयन तो सबसे ज्यादा ताकतवर था ना पूरे जंगल में, तो अब उसे किसी की किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे मतलब टच भी कर दे, ठीक है। तो मतलब डॉग है ना किसी से डरता नहीं था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बट आ वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड, अब यहाँ पे लोयन चल रहा था और यहाँ पे डॉग चल रहा था, ठीक है दोनों चल रहे थे, चल रहे थे। फिर उसके बाद साइड अलोंग अ पाथ दैट रन एमिड बेयर क्लिफ, अब जो लोयन है ना वो चलता है और एकदम से पहाड़ियों के पीछे मतलब जो ये चट्टाने होती है ना, ऐसे चट्टाने होती है उनके पीछे छुप जाता है, ठीक है। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन लोयन स्टॉप्ड, और एकदम से लोयन रुक जाता है और ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइड अलोंग अ पाथ एंड देन रन अमिड बेयर क्लिफ, वेल ऑल ऑफ द सडन लोयन स्टॉप। अब जो जो हाइक डॉग होती है वो वहां पे चलते रहते हैं डॉग, और वो एकदम से रुक जाता है लोयन, ठीक है। अब वो क्यों रुकता है आगे पढ़ते हैं कहानी में। ही गेव अ ग्रेट रोअर, अब वो एकदम बहुत तेज की दहाड़ता है। रोअर जो होता है वो किसका साउंड होता है, लोयन का, जैसे गांव का मुइंग होता है ऐसी लोयन का रोअर होता है, ओके। उसके बाद एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और वो अपना पंजा जो स्ट्रक मतलब अपना पंजा एकदम तेज की ग्राउंड पे मारता है, ठीक है, जिसके कारण एक होल भी हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना विद हिज पोज सच अ फोर्स एंड दैट अ होल फॉर्म देयर, वहां पे एक होल हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो एकदम से पीछे चला जाता है चुपचाप। वट इज इट मास्टर, इज एनी थिंग रॉन्ग, अब जो डॉग है उसने पूछा कि मास्टर कुछ बात है क्या, कुछ गलत है क्या। आस्क एट द डॉग सरप्राइजली, अब डॉग ने एकदम सरप्राइज होके पूछा, क्योंकि उसको लगता था कि अभी तक मतलब बहुत वही स्ट्रॉन्ग है इस दुनिया में पूरा, ठीक है। अब लोयन बोलता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, तो मैंने एक आदमी की खुशबू सूंघी जो इस तरफ आ रहा था, ठीक है। द लोयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट, वी विल इन बी इन विक्टरेबल, हमारे लिए वहां से भागना ही अच्छा था क्योंकि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब देखो भाई यहाँ पे जो डॉग है डॉग ने लोयन को भी गुड बाय बोल दिया, बिकॉज उसे एक स्ट्रॉन्गर मास्टर मिल चुका था लोयन से ज्यादा। सो आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, अब मुझे एक ऐसा मास्टर मिल चुका है जो इस अर्थ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, ओके हमारा 10th पैराग्राफ है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टे विद हिम, सो अब जो डॉग है वो जो मैन को मैन के साथ रहने लग जाता है, ठीक है, और सर्व्ड हिम फेथफुली, तो और उसको मतलब उसकी अपनी अपनी सर्विसेज बहुत फेथफुली मैन को देता है। दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, अब यही जो चीज है वो पुराने मतलब बहुत टाइम तक चलती रही। बट टू दिस डे द डॉग मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट और नो अदर्स, ये बात कहना गलत होगी कि लॉयन जो ये डॉग होते हैं हमारे सिर्फ सर्वेंट होते हैं, नहीं ये हमारे एक अच्छे फ्रेंड भी होते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना अगर आप उनको प्यार दोगे तो वो आपको प्यार देंगे। कभी भी किसी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि मतलब कई बच्चे करते हैं हर्ट, जैसे दिवाली के टाइम पे उनकी पीयूष में पटाखे लगा देते हैं या उनपे गुब्बारे फेंकते हैं। देखो बच्चों ये चीज करना ना बहुत गलत होता है, आपकी जो मॉरल वैल्यू होती है ना वो भी होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीजें कभी मत करना, बिकॉज उनके पास भी दिल होता है, वो कुछ बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना एंगर नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो उनको एंगर शो करने पे मजबूर मत करना। आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, अब क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आई डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर, व्हाई डिड द डॉग फील्स टू नीड अ मास्टर, अब डॉग को क्यों फील हो कि उसे मास्टर की जरूरत है। द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड एंड वंडरिंग अबाउट अलोन, तो उसे इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वो सिक था और बहुत थका हुआ था घूम घूम कर, क्योंकि उसको फूड ढूंढना था और उसे डर लगता था जो उससे स्ट्रॉन्गर एनिमल थे। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज मास्टर एंड व्हाई डिड लीव दैट मास्टर, द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ, डॉग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और एक डरावने भयानक
वुल्फ को देखता है अपने मास्टर, चुनके चुनता है अपने मास्टर के लिए, ठीक है। वंस द डॉग सो दैट द वुल्फ वाज अफेयर्ड दैट द बियर, अब वो डॉग देखता है कि जो वुल्फ है ना वो बियर से डर रहा है क्योंकि वो उसे कहीं खाना जाए। सिंस द डॉग वॉन्टेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्ग गेस्ट, तो डॉग चाहता कि मैं अपनी जो सर्विसेज है वो ओनली किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को दू जो इस अर्थ में हो। ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्केड द बियर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ टू बी हिज मास्टर। तो अब वो बियर को ये चीज बोलता है कि मैं अपने मास्टर बनूंगी, ठीक है। ऐसे हु डिड ही चूज नेक्स्ट, सो अब उसने बोला, वो बोला कि अब उसने किसको चुना नेक्स्ट, बियर के उसने किसको चुना, ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, मतलब वुल्फ के बाद किसको चुना। व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फाउंड देर वॉज नो मोर पावरफुल स्ट्रॉन्गर देन लायन इन द फॉरेस्ट। तो उसने लायन को इसलिए चुना, बहुत टाइम तक वो उसके लायन के साथ इसलिए रहा क्योंकि उसने देखा कि लायन से पावरफुल ये जो फॉरेस्ट है उसमें कोई नहीं है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, एंड उसके ही रूल जंगल में फॉलो होते हैं। एंड सो वन डेयर टू टच द डॉग आर ऑफेंड हिम इन एनी वे, सो किसी का भी हक नहीं होता कि उसे टच भी कर दे और ऑफेंड कर दे, ऑफेंड मतलब नाराज कर दे, ठीक है। देयर फोर द डॉग लिव हैप्पीली बाय सर्विंग द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डॉग खुश था इस बात से कि वो लायन को अपनी सर्विस से सर्विंग उसके लिए सर्विंग कर रहा है, ठीक है। हु डिड ही फाइनली चूज एज अ मास्टर एंड व्हाई, he chose man as his master because one day he realized that lion was afraid of a master, so वो एक दिन देखता है उसने अपने मास्टर के लिए किसको चूज करा मैन को लास्ट टाइम पे, ठीक है, और आज भी वो हमारे साथ रहते हैं। बिकॉज वन डे ही रियलाइज दैट लायन वॉज अफेयर्ड, तो उससे दिखता है कि जो लायन है ना वो डर गया किससे, एक आदमी से, एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल। अब इस टाइप चीज में कहानी में कोई एक चीज दिखेगी, डॉग है ना वो एक पावरफुल मास्टर की तलाश कर रहा है बार बार, उसने कितने कैरेक्टर बदले, पहले वोल्फ फिर लोयन फिर बियर फिर लोयन, ऐसे उसने तीन कैरेक्टर बदले है ना, उसने तीन कैरेक्टर बदले, फिर उसको लास्ट में कौन मिला, मैन, ठीक है, ऑन द अर्थ एंड ही चूज मैन एज अ हिज मास्टर, तो उसने एक मैन को चुन लिया अपने मास्टर के रूप में। बी अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फाइंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द बुक्स, तो आपको यहाँ पे मतलब ये फ्रेजेस दिए गए, आपको एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी अ, यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो अपना खुद का एक मास्टर था, ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, तो उसे एक ऐसे मास्टर को ढूंढना था जो हर किसी से स्ट्रॉन्ग हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, उसने एक सबसे पहले एक वुल्फ को चुना, बट द वुल्फ वॉज अफेयर्ड ऑफ द बियर, तो अब वो देखता है कि जो वुल्फ है वो बियर से डर गया है, जो आपने अभी पढ़ चुका है पूरी कहानी, उसे कहानी अच्छी थी है ना। द डॉग थॉट दैट बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, तो बियर तो उससे स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर सम टाइम डॉग मेट लायन, उसके बाद लायन जो डॉग है वो लायन से मिलता है बियर के बाद, हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो लायन के साथ बहुत लंबे समय तक रहता है। वन डे ही रियलाइज्ड द डॉग वॉज अफेयर्ड ऑफ मैन, तो वो देखता है कि जो लायन है ना वो एक इंसान से डर गया, तो उस दिन से उसने अपने मैन को बेस्ट बेस्ट फ्रेंड बना लिया, ठीक है। तो डॉग सबको ही पसंद है, और किस किस को डॉग मतलब किस किस के घर में पेट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ओके, और अपने पेट का नाम भी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।